अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैं अल्लाह हूँ, मैं राजी हो जाऊँ तो बरकत देता हूँ और मेरी बरकत की कोई इंतहा नहीं, और जब मैं खफा होता हूँ तो लानत भेजता हूँ और मेरी लानत इसकी सातवीं औलाद तक पहुँचती है। नहुसत नहुसत, सात पुश्तों तक उसकी नहुसत जाती अगर मैं खफा हो जाऊँ। और अगर अल्लाह राजी हो जाए सुभान अल्लाह, फिर बरकत हो, फिर बरकत हो। हकीकत यह है, रिज्क को अमल की वसअतें, इसकी कसरत और फरवानी की वजह से नहीं, उम्र की ज्यादती, महीनों और बरसों की कसरत की वजह से नहीं, बल्कि रिज्क को उम्र की कसरत और वसअत यह है कि इसमें बरकत पैदा हो जाए। लंबी उम्र है, बरकत नहीं तो किस काम की? बहुत दौलत है, बरकत नहीं तो किस काम की? यूं तो उम्र में महीने साल बढ़ते चले गए, बरकत कोई नहीं। यूं तो आमदनी के बजायर सिलसिले बढ़ते चले गए, बरकत कोई नहीं, किस काम की? जिसमें बंदगी नहीं, इस जिंदगी से चौपाइयों की जिंदगी अच्छी है। इंसान की जिंदगी तो इसी वक्त है जब इसका कल्ब और रूह जिंदा हो, और कल्ब की जिंदगी इस वक्त है जो अपने खालिक और मालिक को उसे पहचान नसीब हो जाए। एक साथी कहने लगे कल कि अब लोग बरकत को नहीं मानते, बरकत को नहीं मानते। बरकत क्या होती है? मादियत कितनी चीजें? मैंने कहा बरकत का मसला नहीं, बरकत देने वाले को ही नहीं मानते, मसला ये है। अल्लाह की कुदरत, ताकत, उसकी सिफात, उसकी शान, उसकी मार्फत कोई नहीं तो बरकत क्या जाने? जो मखजन है खजानों का, जो खजानों का वालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके कहने से सब कुछ हो जाता है, जिसके इरादे से चीजें वजूद में आ जाती हैं, उसी की पहचान कोई नहीं तो बरकत क्या जाने? अल्लाह की क्या ताकत है, उसकी क्या कुदरत है, उसकी क्या शान है। जब वो अपने खातिर खालिक की मार्फत हासिल कर ले, इससे मोहब्बत करे और इसी की बारगाह से रुजू करे, इसकी चौकट पर सर झुकाए, इसी की याद से सुकून और इसके तकर्रुब से उन्स हासिल करे, जिसने ये जिंदगी खो दी उसने हर किस्म के खैर और फलाह खो दी। उसे कुछ दुनिया मिल भी गई हो लेकिन इस जिंदगी के इवज तो सारी दुनिया भी मिल जाए तो हेच है। ये अल्लाह के कुर्ब की जो जिंदगी है, अगर इसके बदले में सारी दुनिया भी मिल जाए तो क्या मिला? सब हेच है। बंदा जिस चीज को भी खो बैठे इसका इवज और बदल मुमकिन है, लेकिन अल्लाह को खो बैठने का कोई इवज और बदल है ही नहीं। दुनिया में कोई चीज भी न मिले उसका बदला है, लेकिन किसी को इस दुनिया में अल्लाह ही की मार्फत नसीब न हुई तो इसका कोई बदल नहीं। ये वो घाटा है कि कभी पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह की जिस नियमत में अल्लाह की नाफरमानी होगी वो बरकत से खाली हो जाएगा और वो चीज इसके खिलाफ हुज्जत बन जाएगी। जिस चीज से अल्लाह का नाम निकल जाता है उससे बरकत चली जाती, जिस चीज से अल्लाह का नाम निकल जाता है उससे बरकत चली जाती है, और जिस चीज में गुनाह आ जाता है उसमें गुनाह की नहुसत आ जाती, और गुनाहों के असरात बहुत दूर रस हैं। बस औकात जवानी चढ़ते के गुनाह बुढ़ापे में सताते हैं, और बस औकात जुनानी के और शायद जो बुढ़ापे के गुनाह जुवा औलाद की शक्ल में सताते हैं, और बस औकात हराम बुढ़ापे में अंगारे बन के तपश देता है। न जाने इन गुनाहों के असरात किस किस अंदाज से बाद में सताते हैं। ये हो नहीं सकता। तो बरकत बड़ी मुबारक चीज है, कसरत कोई चीज नहीं।
عمر میں برکت ہو، صحت میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، اور یہ برکت آتی بھائی گناہوں سے پرہیز کرنے میں، گناہوں سے پرہیز کر، ورنہ سب چیزیں ہوتی ہیں برکت نہیں ہے، تو وہ نہ ہوتی تو اچھا تھا، اس لیے کہ وبال زیادہ ہوگا، وبال زیادہ ہوگا، اس میں مصیبتیں زیادہ ہوں گی، اس لیے فرمایا گناہ کی نحوست سے، گناہ کی نحوست سے آدمی کی زندگی سے، صحت سے، عبادت سے، نیکی سے، اطاعت سے برکت چھن جاتی. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی نے فیصلہ کیا نیکی کرنا شروع کر دی، کچھ اعمال شروع کر دیے، پھر کھڑا ہو گیا، پھر چلا، پھر کھڑا ہو گیا، معمولات شروع کیے پھر ہوتی نہیں ہے، تہجد شروع کیے پھر چھوٹ جاتے ہیں، تلاوت شروع کیے پھر چھوٹ جاتے ہیں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا پھر چھوڑ دیا. کیوں ہوا یہ؟ گناہ کی نحوست سے وہ رکاوٹ بن گئی. اللہ رب العزت میں ہم سب کو نیکی والی، تقوی والی زندگی نصیب فرما دے. اپنی زندگی کو مبارک بنانا ہے، اپنے اعمال کو مبارک بنانا ہے، اپنی عمر کو مبارک بنانا ہے، اپنی اولاد کو مبارک بنانا ہے، تو اللہ نے اس کا ایک ہی نسخہ دیا ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی برکتیں ملیں گی. کب؟ جب تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوگی. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی برکتیں تمہیں ملیں گی جب تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو. تو زندگی مبارک ہو جائے، زندگی مبارک ہو جائے اس کے لیے تقوی ہے. اللہ ہم سب کے لیے تقوی حاصل کرنا آسان فرما دے بھائی، آسان فرما دے.